योर इंग्लिश टीचर वोकैब स्टोरी सेट 9। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है सैफ अली खान, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन यानी विश्व विजेता बॉक्सर थे, यानी मुक्केबाज थे। उनके अंदर बॉक्सिंग की जो असामान्य योग्यता थी, यानी एक्सेप्शनल एबिलिटी थी, वो उन्होंने अपने पिता से इनहेरिट की थी, यानी कि विरासत में ली थी। उनके पिता भी एक जाने माने बॉक्सर थे। उनकी सभी सफलताओं का सारा क्रेडिट यानी श्रेय जाता है उनके पिता को, जिन्होंने उनकी परवरिश में, उनकी अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। सैफ अली खान जब बचपन में कोई बॉक्सिंग का मैच हारते थे तो उनके पिता उन्हें डिस्करेज नहीं करते थे, यानी कि उन्हें निरुत्साहित नहीं करते थे, उनका हौसला नहीं तोड़ते थे, बल्कि उल्टा उन्हें अप्रिशिएट करते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। वो जब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे पूरी तरह थक जाते थे, एग्जॉस्ट हो जाते थे, लेकिन उसके बाद भी क्विट नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। और उनकी इसी आदत ने उन्हें विश्व विजेता बना दिया। जिस वक्त वो अपनी कामयाबी के शिखर पर थे, समिट पर थे, उसी वक्त उनकी जिंदगी में एक बहुत बुरा दौर आया। एक कार एक्सीडेंट में उनकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में एक गंभीर चोट आई, एक सीरियस इंजरी हुई, और वो पूरी तरह से बेड रिडन हो गए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिस्तर से नहीं हिल सकता। लेकिन कठिनाइयों के यानी कि एडवर्सिटीज के इस दौर में भी, इस फेज में भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो बेड पर पड़े पड़े ही अपने आप को बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग करते हुए विजुलाइज करते थे, यानी कि तस्वीर बनाते थे। उनकी इस इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी की वजह से डॉक्टर्स ने उनकी सेहत में चमत्कारी इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व की, यानी मिराकुलस इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व की। और 4 महीनों के भीतर, विद इन 4 मंथ्स, वो अपने पैरों पर खड़े होने लगे। ये सभी के लिए अविश्वसनीय था, अनबिलीवेबल था। हालांकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, रिकवर हो चुके थे, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स ने उन्हें बॉक्सिंग से एब्स्टेन करने के लिए कहा, यानी कि परहेज रखने के लिए कहा। तब उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मेरा ये सपना है कि मैं जब भी मरूं, रिंग में मरूं, यानी कि अखाड़े में मरूं। और कुछ वक्त बाद वो एक बार फिर से रिंग में उतरे और अपने ओपोनेंट को, यानी अपने विरोधी को, 5 मिनट में ही नॉकआउट कर दिया, यानी गिरा दिया, बाहर कर दिया। और तभी से उन्हें किंग ऑफ द रिंग के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि अखाड़े का राजा। हमारी जिंदगी और बॉक्सिंग का अखाड़ा भी एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। कभी ब्लिस है यानी सुख है, तो कभी मिजरी है यानी कि दुख है। जैसे बॉक्सिंग में हार यानी फेलियर और जीत यानी कि विक्ट्री होती है। और कायर लोग, कावर्ड पीपल, जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करके जाते। सैफ अली खान की इस बायोग्राफी यानी जीवन कथा में जो छुपा हुआ पाठ है, यानी कि जो हिडन लेसन है, वो यही है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, एडवर्स सिचुएशंस आएंगी, लेकिन आपको हमेशा बाउंस बैक करना है, यानी कि उनसे उभरना है, वापस पुराने हालात में आ जाना है, हार नहीं माननी, गिव इन नहीं करना। यही जीवन का सुनहरा नियम है, गोल्डन रूल है। और जिसने भी इस रूल का अनुसरण किया है, इस रूल को फॉलो किया है, उसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, स्क्रैच से समिट तक का सफर तय किया है, यानी जमीन से आसमान तक का, कुछ नहीं से बहुत कुछ तक का। सोच क्या रहे हो? अगली बारी आपकी है। कमेंट्स नाउ।